interspecific interaction the commensalism first the contents definition of commensalism then remora fish and the sharks and the tree frogs and the plants and the commensals they may turn into parasites so first the commensalism students commensalism basically a type of symbiotic relationship in which two organisms they live together in this association वन एनिमल इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस एसोसिएशन वाल द अदर एनिमल इज नीदर गेटिंग एनी टाइप ऑफ बेनिफिट नॉर इट इज़ बींग इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं जो कोमेंशलिज्म है ये जो सिम्ब्योटिक एसोसिएशन के तीन मेजर टाइप्स हमारे पास हैं दैट इज द म्यूचुअलिज्म दैट इज द पैरासिटिज्म एंड द कोमेंशलिज्म ये तीन टाइप्स हैं जिसको हम सिम्ब्योटिक एसोसिएशन कहते हैं मिल रहते हैं एनिमल्स जब तो तीन तरह के एसोसिएशन होती हैं तो कोमेंशलिज्म में बेसिकली टू ऑर्गेज्म दो एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं दो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं दे मे बी प्लांट्स एंड एनिमल दे मे बी टू एनिमल्स तो दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें एक एनिमल जो है एक ऑर्गेनिजम जो है वो तो बेनिफिट गेन कर रहा होता है जब जो दूसरा एनिमल है वो ना ही तो किसी तरह का कोई बेनिफिट ले रहा था ना ही उसको किसी तरह का कोई हार्म हो रहा था कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होता है इस तरह से हमारे पास बहुत सारी टाइप्स जो है उसकी एग्जाम्पल्स हैं कमसलिज़म्स की जिसको हम कोट कर सकते हैं वेरी फेमस एग्जाम्पल इज द फॉर रिमेरा फिश रिमेरा फिश बेसिकली ये दो स्माल फिश हैं जो कि मैरिन इन्वायरमेंट के अंदर जो लार्ज वाटर बॉडीज के अंदर पाई जाती हैं तो रिमेरा फिश इसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से है कि इसके हेड के ऊपर एक डिस्क से होती है बाई वर्च्यू ऑफ दीज डिस्क देट अटैच विद द लार्ज एनिमल्स के जो ओशन के अंदर सीज के अंदर जो लार्ज एनिमल्स रह रहे हैं जैसे शार्कस हैं वेल्स हैं या इस तरह के जो और लार्ज एनिमल्स हैं रिमरा फिश अपनी डिस्क के थ्रू क्या करते हैं कि दे गेट अटैच विद द दैट एनिमल कि उस एनिमल के साथ अटैच हो जाते हैं अब वो एनिमल जहाँ मूव करता चला जाता है द रिरा फिश दे आर आल्सो मूविंग अलॉन्ग विद डेम तो उसके साथ अटैच होती है उसकी बॉडी के साथ और क्या करते हैं उसके साथ मूव करते चले जाते हैं अब जब ये एनिमल फीड करेगा तो डेफिनेटली इट इज़ अ लार्ज एनिमल इट विल फीड तो बहुत सारा जो मटेरियल जो स्क्रैक की फार्म है फूड जो उसके रह जाएगा अब वो फूड जो कि स्क्रैप पिक की फॉर्म में अलग हो जाएगा उस एनिमल से बच जाएगा रिमरा फिश दे विल ईट दैट फूड तो इस तरह से क्या होगा कि रिमरा फिश जो है उनको जो एक तो प्रोटेक्शन मिल रही है और इसके अलावा क्या करें दे आर गेटिंग फूड जो रिमेनिंग फूड होगा एनिमल का वो यूटिलाइज करेंगे अब जो लार्ज एनिमल है जिसमें हमारे पास जो शार्क्स हैं या वेल्स हैं दे आर गेटिंग एन, दे आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ बेनिफिट फ्राम दैट एनिमल वो रिमोरा फिश से किस तरह कोई बेनिफिट हासिल नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम इसको एक दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दमें इन दिस डायग्राम इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दार्ज वेल शार्क ये वेल शार्क है इसके साथ बहुत सारी स्मॉल फिशेज आपको मूव करती नजर आ रही हैं ये नॉर्मली अगर आप इसको देखें तो इस बॉडी के डिफरेंट पोजिशन के ऊपर दे आर गेटिंग अटैच अपनी डिस्क के थ्रू हेड के ऊपर डिस्क है जिसके थ्रू ये अटैच हो जाएंगे जब ये मूव कर रहा हो तो ये उसकी अटैच रहेंगी और ये आगे एनिमल के साथ मूव करती चली जाएंगी जैसे ही एनिमल फीड करने लगेगा ये वहाँ से डिटैच हो जाएंगी और साइडों पर जो खाना गिरेगा जो फूड गिरेगा उसको ये कलेक्ट करके खाना शुरू कर देंगी सो द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मैं इज द ट्री फ्रॉग एंड द प्लांट एसोसिएशन ट्री फ्रॉग आपको पता है कि वेरी स्मॉल फ्रॉग है जो कि आमतौर तो पर ट्रीज के ऊपर रहता है डिफरेंट कलर्स हैं जिसमें ग्रीन कलर जो लीव लाइक कलर भी इसका हो सकता है या डिफरेंट के जो तो so, ट्री फ्रॉग और प्लांट एसोसिएशन जो अगर हम इसमें देखें तो ट्री फ्रॉग जो है इट इज़ गेटिंग बेनिफिट फ्राम प्लांट्स इन केस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्शन की फार्म है या जो प्लांट्स हैं उससे क्या कर रहा है ये प्रोटेक्शन हासिल कर रहे हैं कैसे इज अ स्मॉल फ्रॉग तो इट इट इज प्रोटेक्टेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट तो ये प्लांट के लीव्स के अंदर क्या करता है अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है जो प्रीडिक्टर्स हैं उनसे अपने को क्या करता है छुपा कर रखता है तो इस तरह से इट इज इंसेक्टिवोस जो भी इंसेक्ट्स आएंगे प्लांट के ऊपर ये उनको क्या करेगा फीड करेगा लेकिन जो प्लांट है ये किसी तरह का जो है कोई बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो दिस सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दी कोमेनिसलिज्म के ट्री फ्रॉग इज गेटिंग बेनिफिट या कोई जो प्लांट है वो किसी तरह का कोई बेनिफिट जो है वो नहीं ले रहा होता सो हेर जिस डायग्राम इस डायग्राम आप देख सकते हैं कि ट्री फ्रॉग है जो लीव के ऊपर बैठा हो क्योंकि स्मॉल साइज का होता है इसलिए आमतौर पर ये लीवस के ऊपर लीव्स के दरमियान आराम से जो है वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं सम टाइम the commensal it may turn into parasite. आम हालात में जो कोमेंसल्स होते हैं वो अपने दूसरे एनिमल को किसी तरह कोई डैमेज काज नहीं करते हैं लेकिन सम टाइम जब इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स चेंज होते हैं आ कोमेंसल इट मे टर्न इंटू पैरासाइट इसकी एग्जांपल जो है वो ह्यूमन के जो औरल कैविटी के अंदर रहने वाले कैंटामिबा है जो कि आम हालात में क्या करता है कि ये ओरल कैफिटी में रहता है और किसी तरह कोई डैमेज काज नहीं करता है लेकिन समटाइम्स दिस एंटामीबा दिस स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ एंटामीबा इट टर्न इनटू पैरासाइट एंड स्टार्ट डिकेइंग द गम्स इट स्टार्ट स्टार्ट डिकेइंग द टीथ ऑफ द ह्यूमन तो इससे आम हालात में जो ओरल कैफिटी में रहने वाला एंटामीबा वो पैरासाइट नहीं है कोमेंसल है लेकिन जब स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट होती है तो यही फिर पैरासाइट बन जाता है इट काज डैमेज टू द होस्ट are the second animal